तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर लहरिया पर सीधे लाइव तस्वीरें। तो आज हम आपको अपनी लाइव तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि गांव में अभी भी पानी की किल्लत कितनी ज्यादा है। ये है छतरपुर जिले का बगवता गांव, जहां पर इस गांव में हर जगह पर पाइपलाइन की सुविधा है, लेकिन जो ये जो बस्ती है यहाँ पर, दलित बस्ती, यहाँ पर पाइपलाइन की सुविधा नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ही हैडपंप है और इस हैडपंप में गांव भर के लोग पानी भरने आते हैं। यहीं पर लोग नहाते धोते हैं। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे यहीं पर नहाते धोते हैं। जब गर्मी आती है तो इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। आइए हम इनसे पहले बात करेंगे। रुकना दीदी, क्या नाम है आपका? हाँ, पानी की समस्या है इधर। कितनी दूर से आई आप पानी भरने? हाँ भैया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे गांव से यहीं पर नहाने आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की समस्या है यहाँ पर पानी की। भैया सबसे पहले आप ही बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। हाँ, क्या देखा आपने यहाँ? यहाँ जो है बाहर रहता हूँ। हाँ, लेकिन मैं 4 दिन से यहाँ हूँ, तो मैंने देखा यहाँ नल पे जो नल लगा हुआ है, यहाँ बहुत दूर दूर से साइकिल से डिब्बा टांग के आ रहे लोग, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, महिलाएं भी बहुत सारी सुबह से शाम तक नल चलाती रहती हैं। बहुत समस्या होती पानी की। यहाँ पर पाइपलाइन की सुविधा नहीं है? बिल्कुल कोई पाइपलाइन की सुविधा नहीं है। तो कौन सी बस्ती है ये? ये बगवता गांव है। और SC मतलब एक हरजन पूरी हमारी समाज यहाँ रहती है। तो पानी की बहुत समस्या है यहाँ पर, पानी की ज्यादा समस्या। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हर घर में नल जल योजना निकाल रहे, क्या लगता है यहाँ पर नहीं निकली तो क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव में क्या मांग होगी लोगों की? पहले भाई सुविधा मिलेगी तभी तो वोट डालेंगे। मुख्य चीज ये पहले सुविधा दीदी। हाँ, पहले तो क्या रहता था, सरपंच बन गया तो पानी की ऐसे बांध लो। अब ठीक है, हो गया। आप बताइए कब से समस्या है ये पानी? समस्या का 5 से 10 साल से, जब से ये शुरू हुई है हमारे यहाँ। खाली यही एक हैंड पंप है, उससे पानी निकलता है। खराब हो जाए तो पानी के लिए आदमी मोटा ही होगा, कुओं से लाता खराब है, गंदा है, कैसा है, कोई मजबूरी है तो पीना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की कि यहाँ पे भी नल जल योजना? एक तो एकता चाहिए, एकता नहीं है तो क्या होता है? कुछ नहीं, एक बंदा कुछ भी कहता रहे, कोई नहीं सुनवाई होगी उसकी, एक बंदे की सुनवाई नहीं होगी कभी नहीं। एकता होगी तो ऐसा है कि हर कोई सुनेगा, एक बंदे ही कोई नहीं सुनेगा। मैं समस्या है, नहीं तो पानी की तो सबसे ज्यादा परेशानी है। कितनी दूर दूर से आते लोग पानी? आ गया यहाँ कम से कम 1 किलोमीटर से दूर से आते पानी भरने के लिए। खाली यही एक हैडपंप है, उसका पानी अच्छा है, बाकी एक उधर लगा आगे लगा, उसका पानी कोई नहीं पीता, सड़ा हुआ बस आता, कोई नहीं पीता, यूज नहीं करता कोई। तो अभी लोकसभा चुनाव आ रहा, क्या मांग करेंगे? मांग तो यही चाहिए, पानी और रोड, दो चीज चाहिए। पानी की पाइपलाइन डल जाए, पानी की पाइपलाइन जो हर घर सुविधा हो जाए, जो लगता हो ले, जो नल जल योजना चल रही है उसका भी। वही चाहिए सुविधा, और क्या चाहिए? हाँ दीदी बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। इस तरह हाँ, यहाँ के मतलब हमारा नाम पूजा है, यहाँ के रोड ही डरवा रहा, गाँव के इंसान वहीं से डाल देते हैं, यहाँ से आगे बढ़ती नहीं है बगौता में। पानी की किस पानी की ऐसी है कि जैसे नल खराब हो जाता है तो दूर जाना पड़ता है, अभी तो जैसे आदमी कोरवा के भी आ जाते हैं, कुआ से लाए हैं पानी आदि, सप्लाई पानी नहीं है। क्या मांग रखेंगी इस बार चुनाव में? इसमें यही है कि रोड डरवा दे, रोड की बहुत समस्या, जावे तो ठीक है, सूखा है, बरसात में बहुत कर नहीं पाते हैं, गिरते हैं इंसान, लोग डर रहता है चीज का, तो वहाँ गहरे की रोड नहीं डरती है, यहाँ कच्ची गांव वाली जी ऐसी ठाकुर है कि भी अपने अपने चल अपने अपनी करवाते हैं ना, कोई सुनता ही नहीं। क्यों नहीं होती यहाँ की सुनवाई? पता नहीं क्यों, अब गाँव की चलती है, वहाँ ठाकुर वहाँ पंडित जी अपने अपने चलाते हैं, यहाँ थोड़ी सुनते हैं। पैसा दो, पैसा सब कुछ होता है, पैसा थोड़ी गरीब लोग रख रहता है।
तो आप देख रहे हैं पानी की समस्या कई सालों से यहाँ पर है। हाँ, ऐसे कंट्रोल का है कि चलो हर महीने में कंट्रोल, हर साल में देखो पिसी तो बराबर आती है सरकार से, उतनी पिसी आती उतनी मतलब होता है चावल मिलती है। अकेले यहाँ कंट्रोल वाले पिसी कम देते हैं, 10 किलो देते हैं और चावल ज्यादा दे देते हैं। दत्ते में पूरा नहीं होता? नहीं तो पूरा कहाँ तो होता, चावल थोड़ी खाए, बीमार थोड़ी बच्चे पड़ेंगे कि हम लोग कोई बीमार पड़ेंगे। ऐसे चल रहा है जो धंधा, जो बाहु ठाकुर जो ब्लैक से हर चीज करते हैं, ब्लैक से बेचते हैं और कम राशन देते हैं, जो जो खाना नहीं चाहते वो खवाते हैं। तो सरकार से भेदभाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, जो मतलब मिलना चाहिए वो मिले, मिलने चाहिए कि नहीं, जो ना जाता है सरकार से वो मिलने चाहिए ज्यादा। चावल थोड़ी बच्चे खाएंगे, बीमार वैसे ही बच्चे, हर दवाई दारू पैसे लगते हैं क्या, हम उनमें इतनी ताकत नहीं, हम चावल खाएंगे। तो आप देख रहे हैं।